जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU वाम विचारक छात्रों का गढ़ रहा है। लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि कैंपस के अंदर वामपंथी छात्र देश और समाज विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर JNU के दीवारों पर ब्राह्मणों बनियो हम आ रहे हैं बदला लेने, यहाँ खून बहेगा, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो जैसे दर्जनों नारे लिख दिए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब देश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान JNU विवादों में है। इससे पहले भी JNU का विवादों से लंबा नाता रहा है। JNU के वाम संगठनों पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा तो कभी भारतीय जवानों के शहादत पर जश्न मनाने का आरोप लगा है। कई बार हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। तो आइए JNU में वाम संगठनों द्वारा किए गए उन कृत्यों पर नजर डालते हैं जो न सिर्फ देश और समाज विरोधी रहे बल्कि चौतरफा घोर निंदा हुई। वर्ष 2000 में JNU में एक मुशायरा का आयोजन हुआ। इस दौरान कई गजलें पाकिस्तान के समर्थन में पड़ी गई। तब वहां मौजूद सेना के दो जवानों ने इसका घोर विरोध किया। इस पर मुशायरा का आयोजन करने वाले छात्र संगठन के नेताओं ने दोनों जवानों को बुरे तरह से पीट दिया। तब ये मामला भाजपा सांसद BC खंडूरी ने संसद में उठाया था। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान JNU कैंपस से शर्मनाक घटना घटी। दावा किया जाता है कि वामपंथी छात्र संघ के छात्रों ने जवानों की मौत पर खुशी मनाई थी। इसके लिए बकायदा कैंपस में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। यह भी दावा किया जाता है कि इस दौरान देश विरोधी नारे भी लगे थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का इतिहास का सबसे बड़ा विवाद 2016 में हुआ। बात 9 फरवरी 2016 की है। तब 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी बरसी पर एक JNU कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए गए। 11 फरवरी को TV और सोशल मीडिया पर देश विरोधी नारे लगने का वीडियो टेलीकास्ट हुआ। देश विरोधी नारे लगाने का मुख्य आरोपी तत्कालीन JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और छात्र नेता उमर खालिद पर लगा। 10 अप्रैल 2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कावेरी हॉस्टल के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के बीच का कारण रामनवमी के दिन वामपंथी छात्रों द्वारा नॉनवेज खाना परोसना था। हुए विवाद में AVVP और लेफ्ट के लगभग 10 छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। JNU में जिस तरह से देश और समाज विरोधी गतिविधियां होती आ रही हैं, इससे अब यह जरूरी हो गया है कि प्रशासनिक स्तर पर ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त नियम बनाकर कार्रवाई की जाए जिससे इस तरह की हरकतों पर लगाम लग सके।